गाइस कैसे हो सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल सप्ताह गेमिंग। और आज आ चुके हैं न्यू इवेंट्स, तो और तीन न्यू टूर्नामेंट्स भी आए हैं। मेरे पास टिकट नहीं है, कोई नहीं, मेरे पास जेम्स हैं, अगर बंदे आएंगे तो मैं खेल लूँगा। और अभी तीन न्यू इवेंट्स आए हैं, लेजेंडरी ब्लॉक डैश, लेजर ट्रेजर ट्रीम, नहीं दो ही है सिर्फ, अपडेटेड वैल्यू तो पहले भी आ गया था, तो हम इन दोनों को ट्राई करेंगे। तो अभी फर्स्ट राउंड आया है लेजर ट्रेजर टीम, पहले ब्लॉक डैश टीम था, अभी लेजर ट्रेजर टीम आ गया है। सेम ही होगा, मेरा एक बंदा एलिमिनेट हो गया। भाई कितने लोग बंदे हैं, आ गया वापस। लेजर ट्रेजर बहुत पुराना मैच है, मैं एलिमिनेट हो गया। अब एक बंदा बचा ही, यही है हमारा सहारा। ये मैच बहुत लंबा जाने वाला है, ये तो दे ही नहीं रहा किसी को भी रिवाइव। वहां पे इतनी साफ सुथरी पड़ी हुई है रिवाइव, लेकिन नहीं इसको तो देनी ही नहीं है। देखो किसी और बंदे ने ले ली। लो भाई दो बंदे आ गए, गया एलिमिनेटेड। कोई नहीं, नेक्स्ट मैच हम ट्राई करेंगे लेजेंडरी ब्लॉक डैश। तो अभी फर्स्ट राउंड आ चुका है ब्लॉक डैश लेजेंडरी। इसमें सिर्फ टू ही प्लेयर्स हैं, संदीप गेमर। क्वालिफाइड, इसमें क्राउन नहीं मिलने वाला मुझे पता है। देखा जो इजी टू इवेंट्स होते हैं उसमें कभी क्राउन नहीं मिलता, तो अब हम टूर्नामेंट्स ट्राई करेंगे। अगर बंदे आए तो पहले मैं अपना रीजन चेक कर लेता हूँ एक बारी। ऐड आ गई, रीजन है मेरा इंडिया वेस्ट। वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि बीच में पिंग ना आए और मैं एलिमिनेट ना हो जाऊं। 20 जेम्स लगा दिए दांव पे, एक बंदा चाहिए सिर्फ लेजेंडरी रशार स्टार्ट होने में। आ गया, नेक्स्ट अप रश आ लेजेंडरी। बस पंच वगैरह ना हो किसी के पास। पांच बंदे एलिमिनेट भी हो गए भाई, छह बंदे, सात। क्वालिफाइड, अभी सेकेंड मैच आ चुका है, फिर से रश आ लेजेंडरी गो। इसमें चार बंदे एलिमिनेट होंगे, तो गाइस कल मैं सिर्फ नॉर्मल गेम खेलूंगा, इवेंट्स नहीं ट्राई करूंगा। यार बहुत टाइम हो गया मैं स्टंबल गाइस में सिर्फ इवेंट्स ही ट्राई करे जा रहा हूँ बस। तो बच गया भाई साहब, इस बंदे के पास पंच था और इसने मुझे एलिमिनेट कर दिया।
अच्छी बात है। तो अभी नेक्स्ट हम टूर्नामेंट स्टार्ट करेंगे ब्लॉक डैश मैडनेस, ये 20 जेम्स का है जैसे लेजेंडरी ब्लॉक डैश था। तो फर्स्ट राउंड आया है ब्लॉक डैश एंडलेस, 3, 2, 1 स्टार्ट। जिस हिसाब से तो लॉबी है मेरे को लगता है 1 मिनट से ज़्यादा का मैच होगा ये। इसका नाम ब्लॉक डैश एंडलेस पता नहीं क्यों रखा है, ब्लॉक डैश और ब्लॉक डैश एंडलेस सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस इसके ऊपर पहले वेव्स आती थी, अब इसके अंदर वो आ गया है, टाइमर आ गया है, बस ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। थर्टी सेकेंड्स हो गए हैं, सिर्फ एक ही बंदा एलिमिनेट हुआ है, एक ही बंदा जीतेगा। अरे यार मुझे पता ही था ये पंच मारेगा कोई, पंच वाली लॉबी है सारी, पंच मार रहे हैं सारे मिल मिल के एक ही बंदे को। वन मिनट 16 सेकेंड 18 सेकेंड, शेट 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 शेट, एलिमिनेटेड। तो अभी लास्ट इवेंट है रेस टू फिनिश, तो इसमें बस बंदे आ जाए तो स्टार्ट करेंगे हम। अगर इसमें भी एलिमिनेट हो गया तो फिर से 10 जेम्स बचेंगे मेरे पास, 100 जेम्स। तो अभी इस बंदे चाहिए अभी सिर्फ 20-21 ही आ रहे हैं, ऐसे 22-23, एक बंदा और चाहिए, 24 स्टार्ट हो गया। तो अभी फर्स्ट राउंड आ चुका है टाइम फॉल, मैं बहुत दिनों के बाद खेलने वाला हूँ टाइम फॉल, क्योंकि इवेंट्स में तो टाइम फॉल आता नहीं है, आज फाइनली आ गया है। इसके बाद हम नॉर्मल गेम्स खेलेंगे। मैं एलिमिनेट, मुझे पता था क्योंकि टाइल फॉल के अंदर सारी भीड़ में जाते हैं तो एक बंदा जीतना बहुत मुश्किल है। तो अभी फर्स्ट राउंड जो आया है वो है आईसी हाइट्स, सेकेंड सबसे अच्छा मेरा फेवरेट मैप ब्लॉक डैश के बाद। ट्रिक करना चाहता था लेकिन नहीं हुई, कोई नहीं जाते हैं सिंपली, बहुत नूब लॉबी आई है। ओ नो शिट मैन, ओ यार ये तो मेरे को बहुत अच्छे से आता था जब पहले इवेंट्स नहीं आए थे, तब मैं इसको बहुत इजीली पार कर लेता था, अब नहीं होता मेरे से। क्वालिफाइड। तो अभी सेकेंड राउंड आ चुका है सुपर वर्ल्ड पार्क, इसमें 8 लोग जीतेंगे तो क्या पता मैं जीत जाऊँ, मुझे नहीं पता मैं जीतूँगा या नहीं, लेकिन जीत भी सकता हूँ नहीं भी जीत सकता, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं ट्रैम्पोलिन पे आ चुका हूँ सबसे आगे, स्लाइड पे, अभी मुझे जीतना होगा जैसे भी करके, क्योंकि अगर मैं सेकंड मैच में हार गया इस नोची लॉबी में फिर तो बेइज्जती वाली बात है भाई, कसम से। सूर्यवंशी, सूर्यवंशी, मैं आ चुका हूँ शॉर्टकट पे, ये चिरकुट जोध, अभी मैं इसको इनवाइट भेज रहा था तभी आया नहीं, अभी आ गया।
और ये तीन तीन मुक्के एक साथ खा के मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ। तो अभी नेक्स्ट मैच आ चुका है पॉट बैश, पुराना मैच। यहाँ पे जब तक पानी नहीं आता ना मैं ऐसे चिपक के खड़ा रहता हूँ, ताकि बॉट अगर आए भी ना यहाँ पे तो मेरे को मारे, फिर भी मैं आउट ना हो। अगर कोई बॉट मुझे हिट भी करेगा तो मैं टॉन्ट मार दूंगा उससे पहले। बच गया यार, बच गया, नहीं बचा, टॉन्ट नहीं मारा पाया, मार दिया। अब करो जो करना है। गया भाई साहब, चलो मजा आया। तो आज तीनों न्यू टूर्नामेंट्स ट्राई करे, तीनों न्यू इवेंट्स ट्राई करे, नॉर्मल मैच खेला है। तो अभी मैं आउट्रो नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अभी चिरकुट जोत को इनवाइट भेजता हूँ, एक बारी क्या पता वो आ जाए मेरी पार्टी में, फिर हम दोनों खेलेंगे एक मैच, आपको भी दिखाऊंगा मैं, इसलिए वेट करो थोड़ा। नहीं आ रहा, मैं पॉज कर रहा हूँ। तो मैं अभी बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, चिरकुट जोत नहीं आ रहे हैं तो मुझे आउट्रो करना ही पड़ेगा। ओ इनवाइट आ गई। तो अभी उसने कस्टम पार्टी लगाई है, देखते हैं इसने क्या राउंड लगाए होंगे। नेक्स्ट अप हो रहा है, अभी पता चल जाएगा। ब्लॉक डैश एंडलेस, आओ भाई मज़ा आएगा। अब ये आपको देखने में मज़ा आता है यार जब ऐसी वीडियोस बने। कब से मैं सिर्फ इवेंट्स ट्राई करे जा रहा हूँ, इवेंट्स ट्राई करे जा रहा हूँ। आज मौका मिला है कुछ सही करने का। इसके पास पंच है भाई, यार मैं भूल गया था। अभी मुझे मुक्के मार मार के आउट करने वाला है, लेकिन मैं अभी मुक्के खाने वालों में से नहीं हूँ, इससे दूर ही रहूँगा। अब मेरे भाई ने मुझे अच्छी प्रैक्टिस करा दी है मुक्को और किक को डॉच करने की। जिस भी बंदे के पास हो ना पंच या कुछ भी, उससे दूर रहना है हमेशा, और जंप करना है अगर उसके पास गलती से आ जाओ तो। आउट नहीं हुआ, सेवन सेकेंड्स हो गए हैं और चिरकुट तो एलिमिनेट हो गया था। मैं क्वालिफाइड हो गया हूँ। तो आज के लिए रुक जाओ, मैं रिकनेक्टिंग पार्टी करूँगा, एक और मैच खेलेंगे भाई। चलो अभी आपका गेमिंग इज ऑन द गेम ही दिखा रहा है। चलो लोडिंग हो रहा है, विक्ट्री, रिकनेक्टिंग टू पार्टी। आ गया फिर से वही बंदा चिरकुट जोत के साथ, डेथ 69W। नेक्स्ट अप इस बार भी ब्लॉक डैश एंडलेस ही आएगा, ब्लॉक डैश एंडलेस। गाइस मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था, मेरे जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स करवाओ यार, जल्दी करवाओ, फिर लाइव स्ट्रीम्स डालेंगे। सेकेंड से खेल रहा हूँ मैं, शांत हो गया था, सब बहुत सीरियस हो गया था मैं गेम को लेकर, लेकिन फिर मेरे को पता चला कस्टम पार्टी है भाई, ज़्यादा सीरियस नहीं होना मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं तो बीच में बोलना ही बंद कर दिया था, नोटिस किया होगा अगर आपने। वन मिनट हो गया है,
अभी तक कोई एलिमिनेट नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता इस बार ये चितकुट जो है एलिमिनेट होगा, क्योंकि ये पिछली बार ये दोनों एलिमिनेट हो गए थे, तो मेरे को नहीं लगता ये इस बार जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे। बच गया भाई साहब, फिर से बच गया। अब तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। मुझे पता था मैं ये वाला कभी क्वालिफाइड कर ही नहीं पाता भाई, कभी नहीं। तो अभी फिर से रिकनेक्टिंग पार्टी होगा, लेकिन मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।